हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस, जिसमें अभी तक हम सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस के टाइप पढ़ चुके हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग एंड नल सीक्वेंस। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। टोटल 11 एग्जांपल्स हैं, इस वीडियो में 5 करेंगे, देन 6 to 11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले एक छोटी क्लासेस में भी किया करते थे कि हमें ऐसी टर्म दी होती है nth और हमको फर्स्ट 5 में जितनी भी टर्म्स बोली गई हैं उतनी लिखनी होती हैं। तो देखो an यहाँ पे क्या गिवन है, an आपको गिवन है 1 ± 1 raised to the power - n। तो an ये गिवन है, n 5 टर्म्स निकालनी है तो पहले n की वैल्यू को 1 पुट करो, यहाँ पे n की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करोगे तो -1 बनेगा, तो 1 - 1 कितना बन जाएगा 0। देन n की वैल्यू को यहाँ 2 पुट करो तो 1 + -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 + 1 = 2। देन n की वैल्यू को यहाँ 3 पुट करो तो 1 + -1 की पावर 3, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, तो 1 - 1 = 0। a4 किया तो -1 की पावर 4, ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 = 2। a5 में इसकी पावर 5 हो जाएगी, -1 बन जाएगा, 1 - 1 = 0। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दी। तो हमने इसको an सीक्वेंस को किस तरह लिख दिया, फर्स्ट टर्म क्या है 0, सेकेंड टर्म क्या है 2, देन थर्ड टर्म क्या है 0, देन फोर्थ टर्म क्या है 4, देन फिफ्थ टर्म क्या है 0। तो देखो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, हमें 5 टर्म्स निकालने को बोला था तो हमने 5 टर्म्स निकाल के आगे डैश डैश लगा दिया कि आगे भी इस तरह से चलता रहेगा, क्लियर है। देन सेकंड देखो, a1 आपको गिवन है 1 और a ऑफ n प्लस 1 गिवन है ये, तो ये a1 1 इसलिए गिवन है क्योंकि इसका यूज़ होगा, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 + 1 कितना बनेगा 2, यहाँ n की वैल्यू को 1 पुट करो तो 3 a1 + 1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू का यूज़ हुआ ना, a1 कितना दिया हुआ है 1, 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4। तो a2 कितना आ गया 4, n की वैल्यू को 2 पुट करो तो 2 + 1 = 3, 3 a2 + 1। अब यहाँ a2 की वैल्यू पुट करो, a2 की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 3 × 4 = 12, 12 + 1 = 13। देन n की वैल्यू को यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 + 1 = 4, यहाँ 3 a3 + 1, तो 4, 3 a3, a3 की वैल्यू 13, 13 × 1, ठीक है, 13 × 3 + 1। देन a5 के लिए यहाँ पे 4 पुट करोगे, यहाँ a4 बनेगा, a4 की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स। तो an सीक्वेंस में फर्स्ट 5 टर्म्स तो ये आ गई, बाकी डैश 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 लगा के लिख दिया। उसके बाद है थर्ड, थर्ड में आपको a ऑफ n प्लस 2 इसके इक्वल गिवन है और a1 टर्म गिवन है, a1 गिवन है 3 और a2 गिवन है 5, ठीक है। तो n की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करो, a3 बनेगा, यहाँ a1 बनेगा और यहाँ 1 + 1 = 2, तो a3 निकलेगा, यहाँ a1 + a2 आएगा, a1 गिवन है 3, a2 गिवन है 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो a3 टर्म कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। तो a1 हमें गिवन ही थी, a2 हमें गिवन थी, a3 हमने निकाल दी। उसके बाद a4 निकालोगे तो a4 में बनेगी a2 + a3, 5 + 8 यानी कि 13, देन a5, तो दो टर्म्स तो गिवन थी, 3 और निकाल दी तो ये 5 टर्म्स आ गई, देन डैश 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 डैश, क्लियर है। उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है राइट द nth टर्म। अब इसमें आपको nth टर्म लिखनी है इसकी, तो फर्स्ट है 1, 4, 9, 16 डैश डैश डैश। तो हम देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, 1 है, देन 4 है, देन 9 है, देन 16 है। तो 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 2 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 4 का स्क्वायर, तो nth टर्म होगी तो n का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो यानी कि 1 अगर ऊपर है तो नीचे 2 है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, यानी कि जो नंबर ऊपर है नीचे उस ऊपर वाले टर्म का एक नंबर ज़्यादा है। तो अगर ये n है तो नीचे क्या हो जाएगा n + 1, तो n टर्म क्या हो जाएगी n + 1, यही तो है। अगर 2 है नीचे तो 2 + 1 = 3 है, 3 है तो 3 + 1 = 4 है, 4 है तो 5, 4 + 1 = 5 है, तो ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है n + 1, ये इसकी n टर्म होगी। अब देखो ये 1/3 - 1/9 - 1/27 - 1/81, एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो, एक बार ये देखो 3, 9, 27, 81, ये क्या है 3 की पावर 1, 9 क्या है 3 की पावर 2, 27 क्या है 3 की पावर 3 और 81 क्या है 3 की पावर 4,
यानी कि फर्स्ट टर्म है तो 3 की पावर 1 है, सेकंड टर्म है तो 3 की पावर 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 की पावर 3 है, फोर्थ टर्म है तो 3 की पावर 4 है, तो nth टर्म में क्या होगा 3 की पावर n। इतनी बात समझ में आ गई। अब है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अगर आप 1 का स्क्वायर लिख दो तो 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर आप माइनस 1 की पावर, इसको हमें जनरल फॉर्मूला बनाना है ना, तो माइनस 1 की पावर में 1 लूँ तो पहली टर्म क्या आएगी, माइनस 1 आएगी, बट यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 1 है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म में माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर है, माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर फर्स्ट टर्म में माइनस 1 का स्क्वायर है तो सेकंड टर्म में माइनस 1 का क्यूब है, तो nth टर्म में माइनस 1 की पावर n नहीं होगी, n प्लस 1 होगी, तो ऊपर तो होगी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगी 3 की पावर। क्लियर है। अब देखो, डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज सीक्वेंस दिस वेयर an इज गिवन बाय दिस। तो an आपको 7 गिवन है, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी रेंज क्या है 7, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस भी पढ़ चुकी है कि अगर एक सीक्वेंस में एक ही टर्म हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये क्या है, एक रेंज है इसकी 7 है, इसके अंदर एक ही वैल्यू है, तो ये क्या है, एक सिंगलटन फाइनाइट सेट है, इसी वजह से ये एक बाउंडेड सेट है। तो an हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड। बस ये तो बिल्कुल आसान था, इस तरह के नहीं आते, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको देखो। यहाँ पे an आपको ये गिवन है 2n+3/3n+4। तो देखो 2n+3 है, 2n को लिखा जा सकता है 3n-n, है ना, और 3 को लिखा जा सकता है 4-1, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। अब क्या करो, 3n+4 को इकट्ठा कर लो, और -n-1 है ना, ऐसे है ना, तो यहाँ से क्या करो, 3n+4 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अब n+1 कर लो, तो 3n+4 डिवाइड हो जाएगा। एक तो इस तरह से समझ सकते हो इसको, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि ये 2n+3 था, इसके अंदर n ऐड कर दिया, n सबट्रैक्ट कर दिया, और 1 ऐड कर दिया, 1 सबट्रैक्ट कर दिया, तो 2n था, n था, 2n+n 3n+n 4n बन जाएगा, ठीक है, और 3+1 4, 4-1 3। तो आपकी मर्जी, आप इसको इस तरह से समझो, इस तरह से समझो, इनको इकट्ठा करके ऐसे लिखना आपने, मेन बात ये है, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लिया, तो अब इसके नीचे जब आप 3n+4 लिखोगे और इसके नीचे जब आप 3n+4 लिखोगे तो ये तो कट जाएगा, तो 1 बनेगा, 1-n+1/3n+4। तो देखिए, अब यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करो तो क्या बनेंगे, 2 / 3 = 3, 3+4 = 7। n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 2+1 = 3, 3 + 6 = 4, 10। तो ये वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 point something आएगी, ये भी 0 point something आएगी, आगे और भी करोगे तो वो भी 0 point something आएगी। तो ये वैल्यू 0 तो कभी भी नहीं आएगी, बढ़ती जाएगी 0, बट कभी भी नहीं होगी। अब 1 में से अगर आप 0 point कुछ माइनस करोगे तो वो हमेशा 0 point कुछ ही आएगा, है ना, आएगा ना। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये जो an की वैल्यू होगी हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि देखो ये वैल्यू 0 से तो हमेशा बड़ी आएगी, 1 में से कुछ 0 point something माइनस करोगे तो 0 point something आएगा। तो ये an की वैल्यू 0 point something आएगी, यानी कि 0 से तो बड़ी आएगी और 1 से हमेशा छोटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी 1 से छोटी, an की वैल्यू 1 से तो हमेशा छोटी आएगी और 0 से हमेशा बड़ी आएगी, 1 से बड़ी तो ये वैल्यू कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 0 point something है, तो ये क्या वैल्यू 2, 3, 4 बन सकती है, नहीं बन सकती ना। तो बस यही है यहाँ पे कि अब an की वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो इसका एक अपर बाउंड और इसका एक लोअर बाउंड मिल गया, तो इस वैल्यू 0 सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। क्लियर है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, an दे रखा आपको ये, तो बायनॉमियल थ्योरम लगा दी, NC0 NC1 वाली, 1+n(1)n (n)(n-1)2 (n)(n-1)(n)²(n)(n-1)(n)-2 / 3 = 1/n³ अप टू दिस, ठीक है। अब क्या किया, एन सी एन काट दिया तो 1 बच गया, यहाँ पे n को बाहर लोगे कॉमन तो n² बच जाएगा, उस n² से n² डिवाइड कर दिया, n बाहर आ गया तो 1-1/n बन गया, और ये इस तरह से n n n n³ बन गया, n³ से n³ कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ से n को कॉमन लिया तो 1-1/n और 1-2/n कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n को अगर मैं 1 भी पुट करती हूँ तो 1/1 बनेगा ना, ये 1-1 0 बनेगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 बनेगा, 1-1 0 बनेगा, यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1/1 बनेगा, 1-1 0 बन जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आप यहाँ पे n को 2 पुट करोगे तो 1/2 यानी कि 0.5 बन जाएगा, तो 1 में से माइनस करोगे तो भी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से
हम एक सॉल्यूशन एक बात कह सकते हैं कि ए एन की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इन नंबर से छोटी होगी, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू, इसके अंदर आप एन की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो ए एन की वैल्यू इससे तो हमेशा छोटी आएगी ना, बड़ी तो नहीं आ सकती। बड़ी तो हम जब कहते कि अगर ये टर्म मान लो जीरो बन जाती तो हम कह देते कि ए एन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब ए एन हमारा क्या है, 1+1/n है। यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ अगर n की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ अगर n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1+1/1 यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि इसके अंदर वैल्यू पुट करो, एक तो n की वैल्यू कुछ भी इसके अंदर पुट करो और एक n की वैल्यू इस टर्म के अंदर कुछ भी पुट करो, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी ना। यहाँ तक लिया हमने n फैक्टोरियल तक, ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी बजाय कि इसकी, ये टर्म हमेशा छोटी रहेगी और ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये लिखा है कि ए एन हमेशा छोटा रहेगा इस वाली टर्म से। अब देखो ध्यान से क्या करना है, ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1। अगर मुझे सबको 2 में लिखना हो तो 2 × 1 को तो मैं डायरेक्टली 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को 3 × 2 × 1 इसको चेंज करना हो तो मैं क्या करूँ, इसको आप क्या बना सकते हो, तो देखो अभी 3 है यहाँ पे और ये क्या है 2, तो यानी कि ये क्या है 3 × 2, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2+1 और इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2+1 × 2 लिख दूँ मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 और ये क्या है 2, तो ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 1+1 इस 2 की पावर 2। इसी तरह से इसको करना है, यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या है, इसको चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 × 2 तो है ही, 2 की पावर 2 और बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका। देखो इसमें हमें मतलब इसको 3 को 2+1 ऐसे करके नहीं होगा, ये इसमें क्या है हमको इसको एक जीपी बनाना है, ठीक है। तो ये 1/2 फैक्टोरियल या 1/3 फैक्टोरियल तो ऐसे तो ये जीपी बनेगी नहीं। तो हमने क्या देखा कि 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो अब हम डायरेक्टली 3 को 2 से रिप्लेस कर देंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली 3 को यहाँ से 2 से रिप्लेस कर दो, तो 3 की जगह 2 रखो, 2 और 2 ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 की जगह भी 2 लिखो, 3 की जगह भी 2 लिखो और 2 तो है ही, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3। ऐसे ही भरती रहेगी 2 की पावर 4 2 की पावर 3, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, देखो वैसे तो क्या होगा 2 की पावर 3 हमेशा बड़ा होगा 2 का स्क्वायर से, होगा ना, बट क्योंकि अभी 1/ में है तो 1/2 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1/2 की पावर 3 से, ऐसे होगा ना। तो यानी कि ये वाली टर्म बड़ी, ये वाली टर्म बड़ी, ये वाली टर्म बड़ी, तो ये टर्म बढ़ती रहेंगी ना। तो इसीलिए लिखा है कि ए एन जो है वो छोटा हो जाएगा इनसे, क्योंकि ये टर्म तो बढ़ती रहेंगी, इस वजह से इस टर्म को इस तरह से लिखा है, डायरेक्टली 3 को यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब इसको देखो, इस 1 को छोड़ के इसको देखो, 1/ इसको लिख लो 2 की पावर 0, ये क्या है 2 की पावर 1, तो 1/2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 1/2, तो ये क्या बन गई जीपी विद कॉमन रेशियो 1/2 बन गई ना। तो अब उसका फॉर्मूला लगा दो जीपी सीरीज के nth टर्म के सम को फाइंड आउट करने का, क्या होता है a इंटू 1 - r की पावर n / 1 - r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है 1 और r कौन है 1/2, तो ये हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे 2 LCM 2 - 1 2, ऊपर जाके 2 बन जाएगा ये, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1+2 - 2/2 की पावर n, 1+2 - 3 - 3 - 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, अगर आप 1 पुट करी सपोज, तो 3 - 2/2 यानी कि ये तो कट जाएगा, तो 3 - 1 यानी कि 3 बचेगी, ये वैल्यू बचेगी ना। और यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट करो, 2/4 बनेगा, तो 0. कुछ आएगी, जो भी आएगी वैल्यू 3 से हमेशा छोटी आएगी ना, यानी कि 3 से तो हमेशा छोटी आएगी ये वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप 3 में से कुछ उसे छोटी वाली वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ पे an है, तो an की वैल्यू हमेशा 3 से क्या रहेगी छोटी रहेगी, रहेगी ना छोटी, an की वैल्यू हमेशा 3 से कैसी रहेगी छोटी आएगी, ठीक है, ओके। देखो n की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो 2/2 1 बनेगा ना, तो 3 - 1 2 बनेगा, तो ये क्या आई 2 आई। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3, तो ये वैल्यू 3 कभी भी नहीं होगी, हमेशा 3 से छोटी ही होगी, आप n की वैल्यू को कुछ भी पुट करके देख लेना। तो इसलिए लिखा है कि an जो होगा हमेशा 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाली टर्म पे, ये जो आपकी ये थी 1+1 कितना होगा 2, ये 2 होगा, और ये क्या है सारी वैल्यूज़ हैं,
अगर ये वैल्यू, वैसे तो जीरो होंगी नहीं, अगर ये, अगर आप एन को वन भी पुट करते हो तो वन बाय वन क्या बनेगा, वन, वन माइनस वन जीरो, तो या तो ये वैल्यू जीरो बन जाएंगी या फिर इन वैल्यू की, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। दो ही केस हैं, ये तो हमेशा टू बनेगा और हो सकता है कि सारी टर्म जीरो बन जाए। तो हो सकता है कि ए एन की वैल्यू हमेशा या तो टू हो या फिर अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू होगी तो टू के अंदर आप उसको ऐड करोगे तो हमेशा टू से बड़ी आएगी ना। ए एन की वैल्यू या तो टू होगी या अगर इनकी कुछ भी वैल्यू होगी टू के अंदर उनको ऐड करोगे तो हमेशा टू से बड़ा आएगा क्योंकि सारे टर्म तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू या तो टू हो सकती है या फिर टू से बड़ी हो सकती है और यहाँ से ए एन की वैल्यू हमेशा थ्री से छोटी होगी। तो ए एन की वैल्यू हमेशा या तो टू होगी या टू से बड़ी होगी और थ्री से छोटी होगी। तो इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें मिल गया, तो इस वजह से ए एन को मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है, बाउंडेड है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो बाय डेफिनेशन हमें शो करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है जीरो को और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जीरो को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जांपल ट्राई कर लेना, आई डोंट नो कि आपने किया या नहीं किया, मैं आपको करवा देती हूँ। इसको ए एन मान लो, डेफिनेशन लगाने की अगर ए एन ये है तो हमने कोई एप्सिलॉन जीरो से बड़ा गिवन नंबर मान लिया कि अगर मैं उस नंबर को ए एन में से माइनस करूँ और उसका मोड लूँ तो वो लेस होगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को पुट कर दिया, वन माइनस एन स्क्वायर माइनस जीरो का मोड, तो वन बाय एन स्क्वायर और उसका मोड करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा एन, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वन बाय एन स्क्वायर का मोड क्या हो गया, वन बाय एन स्क्वायर। तो ए एन माइनस जीरो का मोड लेस होगा एप्सिलॉन से। कब देखो, अब ए एन माइनस जीरो की वैल्यू इसके इक्वल आ गई तो ये लेस एप्सिलॉन से जब ही होगा ना, जब ये वाली टर्म एप्सिलॉन से लेस होगी, तो ये लिखा है यहाँ पे, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो एन स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा वन बाय एप्सिलॉन से, दोनों साइड पावर ले लो वन बाय टू, तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे पावर बन जाएगी एप्सिलॉन की वन बाय टू। तो यहाँ पे हमें अब क्या मिल गया, एन को हमें बड़ा दिखाना था किसी भी नंबर से, हम कहते हैं ना कि एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, तो हमें यहाँ पे कोई नंबर चाहिए था, वो नंबर हमें क्या मिल गया, एक एम पॉजिटिव नंबर मिल गया जिसकी वैल्यू बड़ी है किससे, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ए एन माइनस जीरो का मोड आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे क्या सिंप्लीफाई होता है कि अगर हम ए एन के अंदर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो वो जीरो के इक्वल अप्रोच करेगा, कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दी तो यहाँ से बोल दोगे कि सीक्वेंस ए एन जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या आ गया, इसका लिमिट आ गया। ऐसी तो होती है, जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो क्या होती है, लिमिट होती है। तो बस ये शो करना था। उसके बाद देखो ये, तो हमने कोई भी अपना अपनी तरफ से एप्सिलॉन को बड़ा नंबर मान लिया जो कि जीरो से बड़ा है और कोई भी रियल नंबर है, तो ए एन माइनस जीरो का मॉड किया तो वन बाय टू एन माइनस जीरो, तो वन बाय टू एन आएगा, ये एप्सिलॉन से लेस होगा अगर ये वाला नंबर एप्सिलॉन से लेस होगा तो इसको ऊपर करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो टू की पावर एन बड़ा आ गया वन बाय एप्सिलॉन से। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एन चाहिए कि एन को हमें किसी नंबर से बड़ा दिखाना है। यहाँ पे क्या है, टू की पावर एन है, बड़ा है वन बाय एप्सिलॉन से, तो हम डायरेक्टली एन तो नहीं बना सकते, इसको एन बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि एन आगे आ जाए। उसके लिए क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो टू ये ऐसे हो जाएगा लॉग ऑफ वन बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। ये क्या बन गया, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एन, यानी कि एन लॉग टू बड़ा हो जाएगा किससे, लॉग ऑफ वन बाय, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एन चाहिए, तो एन बड़ा हो जाएगा किससे, लॉग ऑफ वन बाय एप्सिलॉन से, और ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ टू से, तो ये आ गया, ठीक है। तो एन अब इस नंबर से बड़ा आ गया तो हम लिखेंगे कि ए एन माइनस जीरो का मोड लेस है एप्सिलॉन से इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। इसी का इम्प्लाइज होता है कि अगर हम ए एन में से जीरो को माइनस करें और उसका मोड एप्सिलॉन से छोटा है, तो इससे इम्प्लाइज होता है कि ए एन में अगर आप एन को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवा रहे हो तो इसकी लिमिट जीरो के इक्वल आ रही है। इससे हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है सिर्फ पे। बस अब है ये वाले क्वेश्चन, बाय डेफिनेशन आपने शो करना है कि इसकी लिमिट इसके इक्वल है और इसकी लिमिट इसके इक्वल है, तो हमने इसको ए एन मान लिया तो इस पर कन्वर्जन वाली डेफिनेशन लगाएंगे, लेट एप्सिलॉन बी द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन जीरो बी एन गिवन नंबर सच दैट ए एन माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है, लिमिट होती है, तो लिमिट हमें दिखानी है कि ना कि ये इसके इक्वल है, तो हम लेके चलेंगे कि हम मान लेते हैं कि इसकी लिमिट यही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि वन बाय टू इसकी लिमिट है। तो मैंने क्या किया, ए एन माइनस वन बाई टू किया, उसका मॉड किया, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, टू इंटू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री इसका एलसीएम आ गया, ऊपर ये टर्म्स आ गई, टू एन स्क्वायर से टू एन स्क्वायर कट गया, माइनस थ्री प्लस टू था तो माइनस वन बनेगा क्योंकि मॉड है, तो मॉड की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव बन गई और नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे हो
टू एन स्क्वायर प्लस थ्री हो, तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है ना टू एन स्क्वायर से। ऑब्वियसली बात है, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री तो हमेशा बड़ा होगा टू एन स्क्वायर से, और टू एन स्क्वायर हमेशा किससे बड़ा होगा, एन स्क्वायर से बड़ा होगा। तो अगर टर्म इन टर्म्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, और अगर मैं वन बाय कर दूँ, वन बाय टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, इसका भी वन बाय टू एन स्क्वायर कर दूँ और इसका भी वन बाय एन स्क्वायर कर दूँ, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये छोटे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर यही करना है, ए एन माइनस वन बाई टू लेस होगा, एक बार तो इसमें से टू को हटा दो, एक बार इसमें से थ्री को हटा दो, और एक बार इसमें से टू को हटा दो, यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी इससे, और ये वैल्यू छोटी होगी इससे, और ये वैल्यू छोटी होगी इससे, ठीक है। तो अब इस नंबर को हमने, इस वाले नंबर को एप्सिलॉन मान लिया, इस वाली टर्म को हम लेके चलेंगे कि ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होगी जब जब वन बाय एन स्क्वायर छोटा होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ एन माइनस वन बाई टू लेस होगा एप्सिलॉन से इफ़ उसको रेसिप्रोकल कर दिया एन स्क्वायर बड़ा हो गया वन बाय एप्सिलॉन से, दोनों साइड वन बाई टू पावर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कट जाएगा, और ये वन बाय अंडर रूट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, ये एम की वैल्यू है कि एम की वैल्यू दिस इज़ ग्रेटर दैन, एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम वेन एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन दिस। तो बस ए एन माइनस वन बाई टू का मॉड लेस आ गया एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब ये चीज़ किसकी होती है, डेफिनेशन कन्वर्जेंट की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वन बाई टू है इसकी लिमिट है। जी आपको प्रूव करना था इन क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस बोरिंग लग रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को जब तक आप अपने हाथों से करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लिमिट वाले और ये एप्सिलॉन वाले डेल्टा वाले, ये देखने में तो शायद अब अभी आपको एग्ज़ाम आसान लग रहे होंगे कि बहुत इजी है, माइनस करना है, मोड करना है और ये करना है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और डायरेक्टली एग्ज़ाम में इनको सॉल्व करने बैठोगे तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इनको प्रैक्टिस कर जितना करोगे उतना आपको लिखना आएगा, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है, तो हम इसकी लिमिट को टू प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया कि टू इसकी लिमिट है, तो एन माइनस टू का मोड लिखा, ये लिखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, प्लस ये किया, माइनस टू ये किया, कैंसिल हो गया, थ्री बाई रूट एन मिल गया। तो इसकी वैल्यू साइलेंस से लेस जब होगी, जब ये वैल्यू साइलेंस से लेस होगी, तो इसको उल्टा कर दो, रूट एन बाई थ्री कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू साइलेंस से लेस होगी अगर ये वैल्यू थ्री वहाँ भेज दिया थ्री, ठीक है। अब दोनों साइड क्या किया, पावर टू पावर कर दी, तो इसकी पावर टू करोगे कट जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन और बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होगी इफ़ एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन एन बाय एप्सिलॉन स्क्वायर। जो एम है वो इस वाले नंबर से भी बड़ा होगा, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि ए एन की जो लिमिट है वो क्या है, टू। तो ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, टू को। हमें ये प्रूव करना था कि इसकी लिमिट क्या है, टू है। तो बस यही थे आपके एग्जांपल, जो कि काफ़ी इजी थे, कुछ मुश्किल नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे होंगे, अगर नहीं आता है तो अलग बात है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना एक बारी, तो आई डोंट नो कि आपने किए या नहीं किए, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट हो तो बता देना। आज आपका काम ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, बाय डेफिनेशन शो दिस, जैसे भी आपके वाला पार्ट कराया ना बिल्कुल सेम वैसे ही है, चारों को डेफिनेशन से प्रूव करके दिखाना है कि इनकी लिमिट ये है। तो मान के चले ना कि इनकी लिमिट ये है, तो मॉड ऑफ एन, इसको एन मान लेना, तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन रह जाएगा, फिफ्थ रह जाएगा, और ये क्वेश्चन रह जाएंगे लास्ट के दो, बाकी सारी एक्सरसाइज आप इजीली ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6th to 11th इसके एग्जांपल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।